गुड मॉर्निंग गाइस। हाय सर। हेलो। यस सर। या एब्सोल्युटली वेडनेसडे वर्क्स फॉर अस। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द टीम अबाउट द सेम। ओह शिट, क्या हुआ? ऑल ओके? आती हूँ। शिवानी, क्या हुआ? ऑल ओके? या। अरे शिवानी, कुछ ला दे क्या? क्या ढूंढ क्या रही हो तुम? नेहा, हाँ, पैड है। रुक देख। अगर तो मेरे पास तो नहीं है, तुझे लगाना है क्या? गाइस, वी विल हैव अ मीटिंग इन 5, ओके? आई विल सी यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ओके। गाइस, 21st इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस एंड वी नीड टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। सूरज, शिवानी, सोशल मीडिया के हमारे जितने भी क्रिएटिव्स हैं, आई नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम बिफोर वी पुट देम आउट। ओके सर। सो आई नीड टू सी देम इन द मॉर्निंग। आकाश, हमारे वेंडर्स का जितना भी डेटा है, क्या कॉस्टिंग होगी, कौन कौन होगा, उसका सारा डेटा आप तैयार करेंगे एंड आई वांट टू सी इट टुमॉरो। नेहा, हमारे इवेंट्स जितने भी हुए हैं पिछले 3 साल में, उसका सारा डेटा, सेल्स, फुटफॉल, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग, दैट्स योर हेडेक। आई नीड इट कंपाइल्ड एंड आई वांट टू सी इट टुमॉरो। ओके सर। ऑल ऑफ दिस डेटा we'll compile and I want to see everything tomorrow at the same time when we meet here. Done sir. Okay. Let's talk about periods. Sir? क्या हुआ शिवानी? तुम तो बहुत ओपनली बात करती हो ना इन चीजों के बारे में, ऑफिस हो या जहां मर्जी। Did I say something wrong? नहीं, आपने ही तो पैड दिया था ना इनको सुबह, सबके सामने वो भी है ना। So she needed it. I'm just saying, पहले ना एक डेकोरम होता था, कुछ चीज़ें ऐसे खुले में नहीं दी जाती थी, थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करी जाती थी कुछ चीज़ों के बारे में। हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए। मुझे 5 साल हो गए इस कंपनी में, पहली बार 2 लड़कियों को ऐसे खुले में पैड के बारे में बात करते हुए देखा। आई मीन ऑल ओवर सोशल मीडिया वी रीड पोस्ट अबाउट विमेन्स हाइजीन, विमेन्स हेल्थ, विमेन्स इशूज, पर ये बातें तो वही लोग करते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं or who just want to make a point that it's okay to talk about these things. Sir, but isme galat kya hai? Galat hai Shivani, galat ye hai ki itni modern society ke hone ke baad bhi people like Akash and Suraj still consider it a taboo. Kya chahte ho tum dono? Ki wo kaan mein puche jaake usse pad ke liye aur wo chhup ke jaake kone mein dekh ke aaye usko pad, ki dikh na jaye kisi aur ko? Kya chahte ho? It's 21st century for God's sake. Periods are a normal, natural process. और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये बात मुझे 2 25 साल के लड़कों को समझानी पड़ रही है। वर्क इन एन एमएनसी, ऐसा तो है नहीं ना कि तुम्हें पता ही नहीं है कि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं। योर मॉम गोज थ्रू इट, योर सिस्टर गोज थ्रू इट, योर पार्टनर गोज थ्रू इट। पीरियड्स आर द रीजन व्हाई यू एंड आई वर इवन बॉर्न। सॉरी सर। It's not about saying sorry to me. It's about realizing certain things. And it's high time we normalize periods
एंड वी नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट पीरियड्स टू. Guys, it's 2022 and people still consider periods as taboo. Periods बहुत natural हैं और बहुत normal हैं. So क्या हम periods के बारे में ऐसे बात करना बंद कर सकते हैं? And can we be more open about it? कुछ companies ने तो period leaves भी देने शुरू कर दिए. So let's normalize a normal thing. And chemist वाले भैया, हमें पता है वो 4000 layer जो होती है ना newspaper के, उसके अंदर paddy होता है. So please उसे छुपाना बंद कर दीजिए. अगर आप हमारी बात से सहमत हो, if you like the video, please like, share and comment on it and please subscribe to Lifetalk.